स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई की तरफ अच्छे से तवज्जो देते होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आप एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 3 पार्ट आप कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 के 4th पार्ट में जो प्रॉब्लम दी गई है वो ये है कि मीना एक बैंक में जाती है विड्रॉ करने के लिए 2000 रुपीज। मीना बैंक में गई और बैंक से विड्रॉ करना है रुपीज 2000 उसे, और इस रुपीज 2000 में शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली। कैशियर से कहा कि मुझे सिर्फ 50 रुपए के नोट चाहिए और 100 रुपए के नोट चाहिए, रुपीज 50 नोट चाहिए और रुपीज 100 नोट चाहिए। फिर उसके बाद मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल जो नोट्स इसने लिए रुपीज 50 और रुपीज 100 के जो टोटल नोट्स है वो नोट है 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच रुपीज 50 एंड रुपीज 100 शी रिसीव्ड। अब हमें निकालना है कि रुपीज 50 के कितने नोट्स उसने लिए और रुपीज 100 के कितने नोट लिए, इनकी कीमत टोटल जो बनती है, जो टोटल नोट्स लिए 25 नोट्स हैं रुपीज 50 और रुपीज 100 के जो टोटल नोट्स हैं वो है टोटल 25। अब टोटल 25 नोट्स में से रुपीज 50 के कितने नोट्स हैं पता नहीं है, रुपीज 100 के कितने नोट्स हैं वो भी हमें मालूम नहीं है, ये हमें निकालना है। और टोटल 25 नोट्स की जो कीमत बनती है, जो कॉस्ट बनती है, जो वो ले रही है वो है 2000। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि हमारे पास कंडीशन किस तरह की है और हमें इक्वेशंस कैसी बनेंगी, ये आपके जहन में आ रहा होगा क्योंकि इससे पहले आप इसके ऐसे ही पार्ट्स जो है वो पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप सभी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम नहीं कि रुपीज 50 के कितने नोट से, तो हम लेते हैं लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल टू एक्स। अब 50 रुपए के जो नोट हैं वो होगी एक्स के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम लिखेंगे एंड नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल टू वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारे पास दो कंडीशन दी गई है स्टूडेंट। फर्स्ट कंडीशन हम ये लेते हैं कि जो नोट्स हैं, टोटल जो नोट्स रुपीज 50 और रुपीज 100 के हैं वो है 25, यानी रुपीज 50 और रुपीज 5 के जो रुपीज 50 और रुपीज 100 के जो नोट्स हैं, इन नोट्स को ऐड करके जो नोट्स बनते हैं वो हो गए 25 नोट्स। तो हम लिखते हैं फर्स्ट कंडीशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। डियर स्टूडेंट्स, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ रहे होंगे अच्छे से। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है? सेकंड कंडीशन स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि रुपीज 50 और रुपीज 100 के जो नोट्स हैं, रुपीज 50 और रुपीज 100 के जो नोट्स हैं, इनकी जो टोटल कीमत बनती है, टोटल जो कीमत इनकी बन रही है वो बन रही है 2000। टोटल कितने रुपीज बन रहे डियर स्टूडेंट्स? टोटल बन गए जो रुपए ये ले रही है बैंक से वो है 2000 के बराबर, यानी 50 और 100 के जो नोट्स हैं इनको ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाता है रुपीज 2000। तो हम लिख सकते हैं अगर टोटल नोट्स एक्स हैं, 50 के नोट्स हैं, तो टोटल 50 नोट्स की जो टोटल रुपीज होंगी, जो टोटल कॉस्ट बनेगी हमारे पास, वो हो गया हमारे पास 50x। टोटल जो अमाउंट बन रही है स्टूडेंट्स, और टोटल जो अमाउंट बनेगी 100 रुपीज नोट्स की वो बन रही है हमारे पास 100y। 50x प्लस 100y जो है वो हो गया रुपीज 2000 टोटल जो अमाउंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो टोटल अमाउंट बन गई रुपीज 2000, रुपीज 50 और रुपीज 100 के जो नोट्स की जो टोटल अमाउंट बनती है वो बनती है डियर स्टूडेंट्स 2000 के बराबर। अब हमें मालूम है 50 के साथ 100 भी डिवाइड होगा, 2000 भी डिवाइड होगा और 50 भी डिवाइड होगा। हम ऐसा कर लेते हैं, हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 50। हम दोनों साइड्स को 50 के साथ डिवाइड करेंगे, वी गेट 50 को 50 के साथ डिवाइड करो 1, तो सिर्फ एक्स रहेगा। 100 को 50 के साथ डिवाइड करो तो 2 बन गया। 2000 को 50 के साथ डिवाइड करो तो 40 बन गया स्टूडेंट्स। ये आ गया आपके पास इक्वेशन सेकंड।
हम इलिमिनेशन मेथड पढ़ रहे हैं, हम यहां देखें x का कोफिशियंट जो है वो सेम है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां पर ही हम इलिमिनेट कर सकते हैं। हम यहां लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। डियर स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करनी है, फर्स्ट तो पहले सेकंड इक्वेशन लिखिए, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 14 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करें स्टूडेंट्स, माइनस माइनस माइनस, x माइनस x जीरो, 2y माइनस y इज 40 माइनस 25 इज इक्वल टू 15, तो y हमारे पास मिलेगा 15 के बराबर स्टूडेंट्स, तो हम यहां लिख सकते हैं वी गेट y इज इक्वल टू 15। अब y की जो वैल्यू हमारे हमें मिल गई स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, फर्स्ट में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सेकंड में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो हम यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। डियर स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिएगा, अब हमारे पास हम यहां लिख सकते हैं x प्लस y, y किसके बराबर है 15 इज इक्वल टू 25, और हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 25 राइट साइड में है, 15 को राइट साइड में ले जाए माइनस 15, और हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 10। डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास x और y दोनों वैल्यूज हमें मिल गई, यानी हमें पता चल गया कि रुपीज 50 के कितने नोट्स हैं और रुपीज 100 के कितने नोट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम यहां लिख सकते हैं मीना रिसीव्ड नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल टू रुपीज 50 नोट्स कितने लिए 10 एंड रुपीज 100 नोट्स इज इक्वल टू 15। उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट्स क्या सभी को अच्छे से समझ आया होगा, और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे समझने की कोशिश भी करेंगे, पहले वाली क्लासेस पढ़ेंगे तब जाके ये क्वेश्चन जो है आपको आसानी से समझ आएगा स्टूडेंट्स। ये जरूरी नहीं कि आप सीधा ये क्वेश्चन पढ़ लें और सोचें कि ये समझ आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, आप पहले कोशिश करेंगे कि जो इससे पहले क्लासेस मैंने दी है पहले वो क्लासेस आप पढ़ें, जब वो क्लासेस आप पढ़ लेंगे आपको पता चल जाएगा एलिमिनेशन मेथड क्या है, तब जाके इस मेथड से इसी एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स अब मैं आपको इसी क्लास में ही मतलब इसका जो लास्ट पार्ट दिया है इस क्वेश्चन में मैं वो लास्ट पार्ट आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स मेहरबानी करके आप अपना वक्त जाया नहीं करेंगे, अब जो नेक्स्ट पार्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इससे पहले जो आपने पढ़े हैं बिल्कुल वैसा ही है, कोई ज्यादा चेंज उसमें है नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। एक लर्निंग लाइब्रेरी है जिसमें क्या है कि फिक्स्ड चार्जेस हैं फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। डियर स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में क्या है कि पहले 3 दिन के लिए फिक्स्ड चार्जेस हैं, यानी आप 50 दिन के लिए भी ले लें बुक को, जो पहले 3 दिन के चार्ज हैं वो 50 दिन लेने वाले के लिए भी वही है, कोई 10 दिन के लिए बुक ले लेगा उसके लिए भी पहले 3 दिन के लिए चार्जेस जो है वो सेम है। फिर उसके बाद क्या कहा गया है, सरिता पेड रुपीज 27, सरिता ने 27 रुपीज जो है वो पेड किए हैं फॉर ए बुक कैप फॉर 7 डेज, एक किताब उसने ली थी एक बुक उसने ली 7 दिनों के लिए। डियर स्टूडेंट सरिता ने बुक जो है वो कितने दिनों के लिए ली, 7 डेज के लिए ली, और 7 डेज के लिए लेने के लिए उसे पेड करना पड़ा रुपीज 27, वाइल सूजी पेड रुपीज 21 और सूजी को देना पड़ा 21 रुपीज। और सूजी ने कितने दिन के लिए बुक ली, डियर स्टूडेंट सूजी ने जो बुक ली है वो ली है 5 डेज के लिए। फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, हमें फिक्स्ड चार्जेस निकालने हैं और हर दिन के लिए कितने चार्ज पहले 3 दिन के बाद दिए जाते हैं वो चार्जेस हमें लेने हैं, हमें फिक्स्ड चार्जेस मालूम नहीं और एडिशनल चार्जेस जो है फॉर ईच डे देयर आफ्टर वो भी हमें मालूम नहीं है। डियर स्टूडेंट्स हम दोनों जो चार्जेस हैं उन्हें हम एक्स और वाई में ले सकते हैं, हम ले सकते हैं लेट द फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज,
पहले 3 दिन के लिए जो फिक्स्ड चार्जेस है वो हो गए रुपीज एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर, हर दिन के लिए उसके बाद के जो चार्जेस हैं एडिशनल चार्जेस जो है वो हो गया रुपीज वाई के बराबर। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला केस जो हमारे पास है हम ले सकते हैं इन केस ऑफ सरिता। सरिता ने जो चार्जेस पेड किए हैं फिक्स्ड चार्जेस दोनों के लिए सेम है, फिक्स्ड चार्जेस एक्स है तो एक्स ही रहेगा। 7 दिन के लिए बुक ली है सरिता ने, तो अगर पहले 3 दिन के लिए चार्जेस हो गए एक्स, उसके बाद जो है वो उसके बाद 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करी 4 बच गया, तो 4 डेज उसके बाद है। डे आफ्टर मतलब पहले फिक्स्ड चार्जेस के बाद, पहले 3 दिन के बाद जो भी जितने भी दिन आएंगे हर दिन के जो चार्जेस है वो हो गए रुपीज वाई। अब 4 डेज अगर है तो उनके चार्जेस हो गए 4y इज इक्वल टू 27 रुपीज पेड किया है, तो 27 इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं इन केस ऑफ सुजी। अब सुजी के केस में क्या है स्टूडेंट्स, सुजी ने 5 दिन के लिए बुक ली है, फिक्स्ड चार्जेस एक्स है तो वो एक्स ही रहेगा पहले दिन 3 दिन के लिए, उसके बाद 2 डेज बच गए तो उसके लिए एडिशनल चार्जेस हो गए 2y, टोटल पेड किया है 21 इज इक्वल, ये आ गया आपके पास इक्वेशन सेकंड। इलिमिनेशन मेथड का तरीका पता है, दोनों का कोफिशियंट पहले से ही सेम है, हमें कोफिशियंट जो है सेम करने की जरूरत नहीं है, दोनों इक्वेशन में पहले से ही एक्स का कोफिशियंट सेम है, हम एक्स को इलिमिनेट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहां पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यहां हम सेकंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फर्स्ट में से, वी गेट। स्टूडेंट समझने की कोशिश कीजिएगा, सेकंड इक्वेशन जो है फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करनी है तो पहले फर्स्ट लिख सकते हैं x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, साइन चेंज स्टूडेंट माइनस माइनस और माइनस, x x कैंसिल 0, 4 माइनस 2 आ गया आपके पास 2, 27 माइनस 21 आ गया आपके पास 6, तो हम लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 6, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2, और हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3। डियर स्टूडेंट्स हमें y की वैल्यू मिल गई, अब y हमारे पास 3 के बराबर आ गया, हम y की वैल्यू किसी भी जो ऑरिजिनल इक्वेशन हमारे पास दी गई है किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम यहां लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट किस इक्वेशन में देंगे स्टूडेंट्स, इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास है x प्लस 4 टाइम्स y की जगह 3 देंगे इज इक्वल टू 27, और हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 27। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ रहे होंगे, और हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 27, 12 को ट्रांसपोज करके राइट साइड में ले जाए माइनस 12, और हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15। हैंस डियर स्टूडेंट्स हमें x और y दोनों वैल्यूज मिल गई, हम लिख सकते हैं हैंस फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले दिन 3 दिन के लिए जो फिक्स्ड चार्जेस हैं स्टूडेंट्स वो हमारे पास x के बराबर और x जो है वो 15 के बराबर आ गया, तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू रुपीज 15। एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर, पहले 3 दिन के बाद हर दिन के लिए जो एडिशनल चार्जेस हैं वो हो गया रुपीज 3 के बराबर, क्योंकि y हमारे पास 3 के बराबर मिला है स्टूडेंट्स, तो एडिशनल चार्जेस जो है वो 3 के बराबर है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आप सभी बच्चों को ये एक्सरसाइज जो है ये अच्छे से समझ आ गई होगी, आप बच्चों को पता चल गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, आप बच्चों को पता चल गया कि एलिमिनेशन मेथड क्या है। स्टूडेंट्स आप एक उम्मीद रखें कि ये वो 2 मेथड है जिनके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो। आप उम्मीद रखें कि किसी भी सूरत में ये यकीन रखें आप
कि इन दो मेथड में से किसी भी मेथड पर जो है, किसी भी मेथड के रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए आप अपना वक्त जाया नहीं करेंगे। आप इस दौर में, जिस दौर में हम मतलब एजुकेशन से काफी दूर हो चुके हैं, काफी महीनों से हम एजुकेशन से दूर हैं स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वक्त को गनीमत जानेंगे, आप ये समझेंगे कि नहीं अभी आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करनी है, आपको आगे बढ़ना है। उस नीयत से, उस इरादे से आप मेहनत करेंगे, अपने कीमती वक्त को जाया नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। अगर किसी बच्चे को इन दो एक्सरसाइज में, इन दो मेथड्स में, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो, कोई कंफ्यूजन रही हो, वो स्टूडेंट्स मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी के पास पहले से मौजूद है। अगर किसी बच्चे के पास ना हो, वो आज ही क्लास देख रहा है स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर मेरा जो है वो लिख सकता है और इस नंबर पर मुझसे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। कोई भी जो आपको शिकायत हो, कोई भी जो कंफ्यूजन आपके पास हो, वो आप दूर करने के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।